आप सफलता और जो है कि जिस पहल पे जो है बात किए, जो वादा किए उसको पूरा कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो असफल रहा, 8 वर्ष हो गए हैं, ये संभव नहीं है। तेजस्वी यादव का सामना चिराग पासवान से नहीं हो सके। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रसाद प्रताप यादव हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम इनसे तलाशने की कोशिश करेंगे। कुर्नी उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है, कल चिराग पासवान जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने। एक भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान पर दाव कहें तो खेल रही है, और जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको एकजुट करने की कोशिश कल की जाएगी। आप किनका नाम ले रहे हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। चिराग पासवान जी को ये पहले मालूम है कि उनका राजनीतिक आधार क्या है? चिराग पासवान जी जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो उस समाज का हित को जो है कि त्याग चुके हैं, और अपने हित के लिए, अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए मनुवादियों और सांप्रदायिक ताकतों के गोद में बैठकर दलितों की राजनीति करेंगे और दलितों का जो है आवाज़ बनेंगे। जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में पिछड़ों और दलितों का आवाज़ बना, पिछड़ों और दलितों के हित का काम किया, आज उसी पार्टी का जो है नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विरोध सांप्रदायिक ताकत और मनुवादियों के गोद में बैठ के करेंगे, ये संभव नहीं है। तेजस्वी यादव का सामना चिराग पासवान से नहीं हो सकता। के जाने से कल कुछ असर नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान को तो याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ क्या किया। उनका जो है कि बंगला तो छीना ही, बंगला के साथ साथ उनके जो है कि मतलब जीवन के बाद इस तरीके का बेइज्जती कि उनके फोटो को बाहर फेंक दिया। उनको कम से कम अपने पिताजी जो चिराग पासवान जी के पिताजी हैं रामविलास पासवान जी, उनका इज्जत मान सम्मान और दलितों का मान सम्मान अगर उनको प्यारा होता तो मनुवादियों के गोद में बैठकर राजनीति नहीं करते और अपने स्वार्थ की राजनीति की रोटी नहीं सेकते। चलिए, चिराग पासवान के जाने से कोई असर नहीं होने वाला यह बात अब करें, लेकिन आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री गए थे, डिप्टी सीएम गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को विरोध का वहाँ पे सामना करना पड़ा। सीटेट के जो अभ्यर्थी थे वो भी पहुँचे, साथ ही पासी समाज के जो लोग थे काफ़ी संख्या में पहुँचे, विरोध का वहाँ पे सामना करना पड़ा। तो उसका कुछ इफेक्ट, कुछ असर चुनाव में नहीं पड़ेगा? चुनाव भी प्रभावित उससे कुछ हो सकता है? चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अच्छे तरीके से भारी मतों से जीत रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़, ये जो विरोध है ये स्क्रिप्टेड विरोध है, और ये जो है विरोधियों के द्वारा ये प्लानिंग वे में करवाया गया विरोध है, इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी विचारधारा के रक्षक आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी दोनों मिलकर बिहार की विकास की लहर को तेज किए हुए हैं, और प्रतिदिन बिहार के विकास के ओर जो है कि कदम उनका बढ़ रहा है, काम कर रहे हैं और जो असंभव काम है वो भी कर रहे हैं। शराब बंदी पर लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो तारी प्रतिबंध किया गया है उसको लेकर के पासी समाज काफ़ी आक्रोशित है। शराबबंदी को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कई जगह छापेमारी हो रही है तो शराब पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ कई जगह पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, हाजत में शराब पी रहे हैं। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, और बात सकारात्मक पहल की कीजिए। आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी वो असफल रहा, 8 वर्ष हो गए हैं, 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? और आदरणीय तेजस्वी यादव जी सरकार में आते अपने वादे को पूरा करने में लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार प्रतिदिन अपने वादों को पूरा करते दिख रही है। आप सफलता और जो है कि जिस पहल पे जो है बात किए, जो वादा किए उसको पूरा कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उस पर बात होनी चाहिए। बिहार में युवाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। और जो बात आप कर रहे हैं, परिवर्तन में समय लगता है और परिवर्तन होगा, इंतजार कीजिए। चलिए, प्रशांत प्रताप यादव थे, साफ तौर पर इन्होंने हमारे उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो हमने इनसे तलाशने की कोशिश की, और इस बात को भी कहा है कि परिवर्तन होगा,
समय का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।